हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्न झारखंड। सबसे पहले आप सभी को जोहार झारखंड। आइए आज के हमारे जो सेशन है, आज का जो हमारा क्लास है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा झारखंड में, वो हमने देखा था, ठीक है। आज हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग जो नया चैप्टर देखेंगे, प्राचीन काल में झारखंड का क्या महत्व था, प्राचीन काल में झारखंड का क्या रोल था, इसको देखते हैं। प्राचीन काल में झारखंड, प्राचीन काल मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एंशियंट पीरियड, है ना। तो एंशियंट टाइम में झारखंड का क्या प्रभाव रहा, किस किस जो डायनेस्टीज जो आए रहे, तो उन डायनेस्टी में किस किस राजा के समय क्या क्या प्रभाव रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं प्राचीन काल के अगर लेके चलते हैं, तो जो झारखंड के संक्षेप में हमको पढ़ना है वो चार पार्ट में हमको देखना है, हमको चार पार्ट में हमें देखना है ना। तो वो जो है चार पार्ट, तो देखते हैं 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हमको देखना है मौर्य काल, इंग्लिश में मौर्यान पीरियड, मौर्यान पीरियड, ठीक है। उसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल का मतलब हो गया पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, गुप्त काल, गुप्त काल, गुप्ता एरा, गुप्त एरा, और उसके बाद गुप्तोत्तर काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल, मतलब कि पोस्ट गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, ठीक है। मतलब झारखंड का प्राचीन काल में, हाँ, तो प्राचीन काल में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये जो चार काल रहा है दोस्तों, ये चार काल का संबंध झारखंड से कैसे रहा, इन कालों में झारखंड के संक्षेप में कौन कौन से राजा वगैरह, या इन सब राजाओं का क्या प्रभाव झारखंड में रहा, हमको वो देखना है। और बस यही चार काल का देखना है, क्योंकि यही चार काल का संबंध झारखंड के इतिहास से है, ठीक है। तो मौर्य काल में जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए, ये कोई भी चीज को बहुत आसानी से याद रखने के लिए बड़ा जरूरी है माइंड मैप, तो मैप चार्ट, तो मैपिंग कर ले रहे हम लोग। तो मैपिंग में पहला स्लॉट में क्या हुआ, कितने काल में देख रहे हैं और किस काल में क्या क्या चीज के बारे में देखना है, जरा हमें ये देखना है। तो जो हम लोग मौर्योत्तर, सबसे पहले मौर्य काल जो है, मौर्यान पीरियड, इसमें हमको देखना है सबसे पहले कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या लिखित है, क्या दर्शाया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। नंबर वन ये देखना है इसमें इसका क्या है असर, और नंबर टू जो मैं देखना है वो देखना है अशोका के बारे में, अशोका द ग्रेट की। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड के बारे में क्या है लिखा हुआ, क्या नहीं है, अशोका ने किस समय झारखंड का क्या था क्या नहीं था, वो देखना है, ठीक है। अब मौर्योत्तर काल में जो हमें आकर के देखना है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि मौर्योत्तर काल में तीन जगह है दोस्तों, वो तीन जगहों के बारे में हमें देखना है,
नंबर वन में हमारा हो जाएगा सबसे पहले सिंहभूम, सेकंड हो जाएगा चाईबासा, और जो थर्ड हमारा हो जाएगा रांची। इस काल का संबंध ये तीनों जगह से है, ठीक है। कैसे संबंध है, क्या है, वन बाय वन हम लोग बहुत ही आराम से देखेंगे, ठीक है। गुप्त काल में हम जब आते हैं तो गुप्त काल में हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त है ना, और समुद्रगुप्त के बाद देखना होगा हमें चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इनके शासनकाल में झारखंड का क्या स्थान था वो हमें देख लेना है। और एक जो बच रहा है हमारा गुप्ता, ये पोस्ट गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज में हमें देखना है नंबर वन जो हमें देखना है दोस्तों वो हो जाएगा बंगाल का गोंड शासक, ठीक है। और दूसरा देखना है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी हाँ। तो बस ये माइंड मैप तैयार रखेंगे और वन बाय वन हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में झारखंड का क्या स्थान रहा, इतिहास रहा, हमें यहां से जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। और परीक्षा में यही सबसे सवाल बन करके आपके पास पहुंचेगा। सबसे पहले मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, मतलब मौर्यान पीरियड, पोस्ट मौर्यास, गुप्ता एरा और पोस्ट गुप्ताज, ठीक है। मौर्यान पीरियड में कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड के बारे में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, अशोका के समय झारखंड में क्या स्थिति था, मौर्योत्तर काल का संबंध इन तीन जिला से है क्या है कैसे देखेंगे, गुप्ता पीरियड में, गुप्ता काल में समुद्रगुप्त के समय झारखंड का क्या स्थान था क्या नहीं था, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और गुप्तोत्तर काल में पोस्ट गुप्ताज में बंगाल का गौर शासक, ये जो गौर शासक है ये बंगाल जी है, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। कहां के ये, वेस्ट बंगाल के, ग्राफ। और हर्षवर्धन तो पता ही है, फाउंडर ऑफ हर्षा डायनेस्टी। तो वन बाय वन हम लोग आकर के देखते हैं दोस्तों, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मौर्यान पीरियड, मौर्यान पीरियड, मौर्य काल, मौर्य काल। आप लोगों को पता ही होगा कि जो मौर्य काल है, ये मौर्य काल के फाउंडर कौन थे, ये मौर्य काल की स्थापना किसने की, थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे देता हूं, उसके बाद आता हूं झारखंड के संक्षेप में, थोड़ा पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो मौर्य काल का जो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। धनानंद, धनानंद को मर्डर करके इसने स्थापना किया था मौर्यान पीरियड का, ठीक है। धनानंद नंदवंश का आखिरी राजा था धनानंद, किसके सहारे से, इसके अपने गुरु चाणक्य, इस पर मैं जाऊंगा नहीं, अलग फिर एक कहानी बन जाएगा, ठीक है। हमें मार्ग नहीं भटकना है, ट्रैक पे हम लोग रहना है। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था ये मौर्य डायनेस्टी का। इसके बाद इसका जो बेटा है, इसका बेटा जिसका नाम रहता है बिंदुसारा, बिंदुसारा, ठीक है। अब बिंदुसारा का जो बेटा होता है अशोका, अशोका वही द ग्रेट किंग, द ग्रेट अशोका जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं, ठीक है।
और इस डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था, लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, वो था बृहदर्थ। बृहदर्थ ये था इस डायनेस्टी का आखिरी राजा, बृहदर्थ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जहां पे है यहीं पे हम लोगों को देखना है इसके बारे में, कौटिल्य के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कौटिल्य के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। और कौटिल्य क्या लिखे थे? बुक, कौटिल्य एक बुक लिखे थे जिसका नाम था अर्थशास्त्र, है ना। तो जब वन बाई वन आएंगे तो देखेंगे। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसारा था, और बिंदुसारा का बेटा अशोका था, ठीक। और राजा था आखिरी बृहदर्थ। आइए, तो हमें झारखंड के संक्षेप में यहां पर दो पॉइंट देखना है। एक, कौटिल्य ने क्या कहा था अपने अर्थशास्त्र में, और दूसरा अशोका के एमए में झारखंड का क्या जगह था। तो वन बाई वन आते हैं दोस्तों। मौर्य काल में जो झारखंड है इसमें क्या है पॉइंट, कि पॉइंट नंबर वन है कि मगध, ये जो मौर्य काल है ये कहां फल फूल रहा था, कहां चल रहा था? मगध में, ठीक ना। तो मगध से हो करके, मगध से जो है दक्षिण भारत, कहां? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। तो मगध से दक्षिण भारत लोग जाते थे मगध के व्यापार के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना। तो मगध से जब लोग दक्षिण भारत जाते थे, मतलब मगध आज का बिहार हो गया, मगध आज का हो गया बिहार, और ये हो गया साउथ इंडिया। तो जरा इंडिया मैप पर माइंड को फोकस करेंगे, माइंड में रिकॉल करेंगे इंडियन मैप क्या है। अगर आपको बिहार से साउथ इंडिया जाना है तो आपको झारखंड होकर के जाना पड़ेगा। आज भी आपको अगर बिहार से साउथ इंडिया जाना है तो आपको झारखंड से गुजरना पड़ेगा। तो उस समय क्या था कि बिहार के लोग जब साउथ इंडिया जाते थे तो उन्हें झारखंड से होकर के जाना पड़ता था। कहां से? झारखंड से होकर के जाना पड़ता था। किस लिए और जाते किस लिए थे? झारखंड से होकर के जाना पड़ता था। जाते किस लिए थे? व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए जाते थे। झारखंड से होकर के जाना पड़ता था। इसीलिए मौर्यन जितने भी राजा है उसका प्रभाव झारखंड पर पड़ा है। इसीलिए अगर शायद अगर ऐसा हुआ होता इतिहास में कि मौर्यन पीरियड का कोई भी राजा को साउथ इंडिया नहीं जाना होता तो मे बी झारखंड पर इसका प्रभाव नहीं होता। लेकिन अब सारे राजा, सेना वगैरह जो भी लोग है व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत जाना होता था तो झारखंड से होकर के, तो जिस जगह के लोग उपयोग करेंगे अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ना। इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है कि क्या है, ठीक है। हम लोग वन बाय वन हम लोग देखते हैं। वन बाय वन हमारा सबसे पहले था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य इंग्लिश में कौटिल्य है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक किताब लिखे थे, ठीक ना। इसमें जो है कौटिल्य ने सबसे पहले इस बुक में झारखंड के बारे में लिखा। तो उस समय झारखंड तो जाना नहीं जाता था, और आप पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कौटिल्य ने, किसने? कौटिल्य ने झारखंड को कुक्कुट देश कहा था। क्या कहा था? कुक्कुट देश कहा था। देख लीजिए, कौटिल्य कुक्कुट देश झारखंड को कहा था। कहां कहा था? तो अपना किताब अर्थशास्त्र में लिखा था, ठीक है।
तो पहला पॉइंट ये बन गया कि कौटिल्य ने झारखंड को क्या कहा था, कुक्कुट देश कहा था। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, ये उस समय बताया है कि कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक देखिएगा हिंदी सही लिखा हुआ या गलत थोड़ा सा है ना, देख लीजिएगा। तो कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था थी, देख लीजिए। कुक्कुट देश में मतलब कि झारखंड में कैसा शासन प्रणाली था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसका माने क्या हो गया दोस्तों, तो गणतंत्रात्मक का इंग्लिश हो गया डेमोक्रेटिक शासन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कुक्कुट देश में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने दोस्तों, एक आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, इसको मैं रेड से लिख देता हूं ताकि अच्छा से हाईलाइट हो, है ना। आटविक कहां पे, आटविक नामक पदाधिकारी का नियुक्ति कहां किया था, मैं मार्किंग कर दे रहा हूं, कुक्कुट देश में। ठीक है, नियुक्ति की थी। किस लिए की थी, क्योंकि जनजातियों का नियंत्रण, जनजातियों को कंट्रोल करने के लिए जो है दोस्तों मगध का जो साम्राज्य था उपयोग करता था, इसीलिए आटविक नामक जो एक पदाधिकारी को भेज दिया। और इसलिए भी कि ताकि कुक्कुट देश के जो लोग हैं मेरे शत्रुओं से कोई समझौता ना कर ले, मेरे दुश्मन के दोस्त ना बन जाए, इसीलिए थोड़ा भेज दिया क्या आटविक को, कि आटविक जाओ कहां जाओ, कुक्कुट देश जाओ और जरा वहां के लोगों का हाल चाल लो, कमांड करो कि कहीं लोग मेरे दुश्मन से दोस्त तो नहीं कर लिए, है ना। और एक शासन को बनाए रखने में, राजनीतिक शासन को बनाए रखने में, आर्थिक शासन पद्धति को बनाए रखने में इसका योगदान था, किसका, आटविक नामक पदाधिकारी का, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया। ठीक है, इंद्र नामक नदियों की चर्चा की है, इंद्र नामक नदी का चर्चा किया है, कौन, ये कौटिल्य किया है अर्थशास्त्र में, इंद्र नामक नदी। ठीक है, अब क्यों चर्चा किया है सो देखेंगे। इंद्र नामक जो नदी है ये संभवतः ईब और शंख नदी का इलाका था, ईब और शंख नदी का इलाका था, ठीक है, इंद्र नामक नदी। और यहां से हीरा प्राप्त किया जाता था, हीरा प्राप्ति। तो कौटिल्य का कहना था, ये देखिए शंख नदी जो निकलता है ये चैनपुर का गुमला से निकलता है, गुमला में एक जगह है चैनपुर।
संग नदी वहां से निकलता है, ठीक है। और ईब नदी को होगा कोई अगल बगल, है ना, छोटी मोटी नदी। तो ईब और संख नदी का जो इलाका है उसे कहा जाता था इंद्र नावक नदी उस समय प्राचीन काल में। तो इंद्र नावक नदी से हीरा प्राप्ति किया जाता था, हीरा। अब हीरा किसे नहीं चाहिए, तो ये भी जो है उसने झारखंड में ये चीज था तो अपने बुक में डिस्कस किया। कौन? कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य ने अपना बुक अर्थशास्त्र में ये भी लिखा है कि अपनी सेना के लिए, अपनी सेना के लिए युद्ध के समय हाथी झारखंड से मंगाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है कि हाथी, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी सेना के लिए, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य सीएम, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए, अपनी सेना के लिए युद्ध के समय झारखंड से हाथी मंगाता था, अपनी सेना के लिए झारखंड से हाथी मंगाता था, झारखंड के जंगलों से, झारखंड से हाथी मंगाता था, झारखंड से हाथी युद्ध के समय, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लेकर के झारखंड के बारे में क्या लिखा गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे अशोका, अशोका के समय झारखंड का क्या स्थान था, ठीक है। अब अशोका, पहला कीवर्ड ये ध्यान देंगे कि अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में, शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस, अशोकान पिलर्स इंस्क्रिप्शंस जो था, है ना भाई। तो अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है, 13वें शिलालेख में एक आटविक नामक प्रदेश शामिल है, एक आटविक नामक प्रदेश की चर्चा है, एक आटविक या अटावी कुछ है ना, आटविक अटावी नामक एक प्रदेश की चर्चा है, एक प्रदेश की चर्चा है, एक प्रदेश की चर्चा है, और झारखंड भी इसी प्रदेश का एक हिस्सा था, और झारखंड भी, और झारखंड भी इसी प्रदेश का एक हिस्सा था। तो मैंने पहले ही जो बैक लेक्चर से आप जाके देखेंगे तो अशोक ने अपने शिलालेख में झारखंड को आटवी आटविक कहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आटविक नामक एक प्रदेश का चर्चा है, 13th जो इसका इंस्क्रिप्शन है, जो पिलर था, ठीक है। तो इसमें जो उस समय जो आटविक नामक जो प्रदेश था ना दोस्तों, तो यह जो है करीब करीब जो आटविक प्रदेश उस समय कहा गया था छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ टू उड़ीसा सब इसी में शामिल था, आठवीं में छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा सब इसी में शामिल था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ टू जो उड़ीसा है इसमें झारखंड भी था, तो झारखंड इसी का हिस्सा था, ठीक है। तो वही कहा है कि 13वें शिलालेख में आठवीं नामक प्रदेश की चर्चा की है, झारखंड इसी प्रदेश का हिस्सा था, इसीलिए अशोक ने झारखंड को आठवीं कहा था। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड देखते हैं, अशोक का झारखंड की जनजातियों पर, जनजातियों पर अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था,
मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल। आप प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इनडायरेक्ट। ये खुद कंट्रोल नहीं करता था। अब अशोक को फुर्सत मिले मगध से तब तो देखिएगा इसको, झारखंड वारखंड ये आठवीं नामक प्रदेश, तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट आदमी भेज दिया था, है ना, देख रहा था। और ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज आप लोगों को यहां पर हो रहा होगा, मेरे माइंड में ये बात आ रहा है कि आठवीं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये आठवीं नामक एक पदाधिकारी भेजा था। क्या भेजा था दोस्तों? पदाधिकारी भेजा था। कहां पर? कुक्कुट देश में, झारखंड में, ठीक है। लेकिन अशोका जो है ये आठवीं नामक एक प्रदेश का चर्चा किया है 13वें शिलालेख में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वही आठवीं आठवीं सेम है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी, और अशोका जो है वो आठवीं प्रदेश का चर्चा किया है, ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो इनडायरेक्ट क्या था? कंट्रोल था झारखंड की जनजातियों पर। टोटल कितने जनजाति है झारखंड में? टोटल झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें से कि 8 आदिम जनजाति है, है ना। जब जनजाति के चैप्टर बताएंगे तो पूरा 3200 जनजाति के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिटेलिंग कंप्लीट, उसकी आप चिंता नहीं करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक ने झारखंड में, देखिएगा अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म, तो अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था किसलिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दोस्तों। तो ये मौर्य काल में जो है अशोका से संबंधित जो जो पॉइंट थे हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया। सबसे उसमें जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण यही है कि 13वें शिलालेख में आठवीं नामक प्रदेश का चर्चा, जिसे झारखंड भी कहा गया था, झारखंड मतलब यही था, और कैसा कंट्रोल था? तो अप्रत्यक्ष था, और किस नामक अधिकारी को भेजा था? तो रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। इसलिए भेजा था तो धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मौर्याज में, जो तीन जगह हमने जो पहले मैप चार्ट में आपको दिखाया था, सिंहभूम, चाईबासा और रांची, है ना, उसका क्या संबंध है, इसको रब कर लेते हैं और फ्रेश पेज में देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, है ना, पोस्ट मौर्याज, ठीक है। तो पोस्ट मौर्याज में तीन शहर के बारे में चर्चा हुआ था। नंबर वन था सिंहभूम, सेकंड था चाईबासा, और तीसरा था रांची, ठीक है। दोस्तों सिंहभूम, चाईबासा, रांची का चर्चा इसलिए है मौर्योत्तर काल से क्योंकि सिंहभूम से कुछ प्राप्त हुए थे, उसी तरह चाईबासा से भी कुछ प्राप्त हुए थे, और उसी तरह रांची से भी कुछ प्राप्त हुए थे। जो सिंहभूम से प्राप्त हुए थे दोस्तों, ये था रोमन साम्राज्य के सिक्के, रोमन
साम्राज्य के सिक्के, रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर, साम्राज्य मतलब एम्पायर। अब दोस्तों रोमन एम्पायर के सिक्के प्राप्त हुए थे, सोच लीजिए सेबुम से। रोमन आज के डेट में जो रोमन तो उल्ट नाम हो गया, रोमन का जो नया नाम है वो है ग्रीस। क्या है? ग्रीस। क्या है? ग्रीस। एम्पायर का बात आ जाएगा तो ग्रीक एम्पायर है ना। तो यहां से यहां के सिक्के यहां पर चल रहे थे। उसके बाद चाइबासा से हमें इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए। इंडो सीथियन सिक्के मतलब क्वाइन सिक्के प्राप्त हुए, इंडो सीथियन सिक्के है ना, इंडो है ना सीथियन, एस सी वाई टी एच आई ई, इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए। कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त का मतलब कनिष्क, कुषाणाज जो डायनेस्टी था उसके फाउंडर कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे फाउंडर? ये जो हो गया कुषाणाज डायनेस्टी हो गया, और इनके जो फाउंडर थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे फाउंडर, कनिष्क फाउंडर। तो इसी समझ में आता है कि कनिष्क के प्रभाव में झारखंड था उस समय, कनिष्क के प्रभाव में क्या था उस समय? झारखंड था। तभी तो मेरे सिक्के प्राप्त हुए हैं कुषाण कालीन, कुषाण के काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं है ना, सिक्के प्राप्त, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तीन था इसका यही अहम रोल था और महत्वपूर्ण रोल था। और यहां से क्वेश्चन भी आई जीपीएससी का एग्जाम हो, जीएसएससी का एग्जाम, उसी से पूछ लिए जाते हैं कि किस जगह से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, किस जगह से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए, किस जगह से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे और इसको आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों आज हम लोग रखते हैं यहीं पे है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो जो इसके आगे था गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता, मतलब गुप्ता और गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे झारखंड के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आकर के लर्न झारखंड कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियोज के जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिल जाए।